हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के इस सेशन में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आज का जो एग्जाम था एसबीआई प्री क्लर्क 2018-23/6/18 और ये सेकंड स्लॉट के कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन है 13.33 प्लस 33.31 प्लस 331.13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करें, आप जो पॉइंट डेसिमल के आगे की डिजिट है उनको अलग जोड़ लें। तो अगर इनको आप जोड़ेंगे 33, 31 और 13, आप इनको डेसिमल को कोई वेटेज एक बार के लिए नहीं दें, सीधे आप ये जोड़ लेंगे 33, 31 और 13 कितने हुए। तो 33 के 3 और 3 6 और 1 7 70 तो 1 हो गए, और फिर 3 और 1 4 3 7 77 हो गए। दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो डेसिमल वाला तो निपटारा आपका हो गया, 0.77 आ गया इसका। अब ये बैलेंस को जोड़ लीजिए आप, 331 है तो 100 डिजिट सिर्फ इसी में है, तो ये तो 300 हो गया। प्लस अब आप इनको जोड़ें टेंस प्लेस पे, ये 3 और 1 4 और 3 7 तो 70 ये हो गए, और यूनिट डिजिट पे 3 और 1 4 मतलब आपका यूनिट डिजिट जोड़ोगे तो कितना हो गया, 3 और 3 6 1 7 70 और ये हो गए 377.77, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2/8 ऑफ 4/7 ऑफ 7/9 ऑफ 7, मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। तो 2/8 गुणा 4/7 गुणा 7/9 और गुणा 738 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को आपने एक्स मान लिया, तो कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले तो उनको करें, 4 2 8, नीचे भी 8 कट गया, 9 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 9 8 72 और 18 बच गया, 9 2 18 तो ये आ गया 82, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 135% ऑफ 480 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 320 इज इक्वल टू 728। अब ये 135% है, अब इसको क्या करें आप, 150% माइनस 15% कर लें, 150% कितना होगा 480% का, मतलब इस 135 को मन ही मन मान लें 150 माइनस 15% ऑफ 480, तो ये क्या आ जाएगा, 150% तो 480 का 100% 480 है, 150% इसका 1.5 गुना, तो 48 2 72 720 हो गया है, तो ये तो आ गया आपके पास 720, तो उसको ले जाओ आप उस तरफ, 150% कितना आ गया 720। अब इसमें से 15% घटाना है, तो आप 15% आप देखेंगे तो क्या है, 150% का 1/10, तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, तो ये 72 हो गया, 720 माइनस 72। और इसको यहाँ सिंप्लीफाई मत कीजिए, आपको पता है कि उस ये इसमें राइट हैंड साइड में जाना है, तो आप सीधे इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, 728 माइनस 720 और ये माइनस का बेहतर है, ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है, एक्स परसेंट, एक्स मान लिया मैंने इसको, एक्स परसेंट का मतलब एक्स बटा 100 और इंटू 320। अब अगर ये आप देखेंगे तो एक सिफर आपकी यहां से कट गई, 728 में से 720 गए, 8 बजे और बेहतर और हो गए, तो ये 80 हो गए, 80 और उस तरफ हो गया x गुणा 32 और बटा 10, तो अगर 8 से मैं काटूं तो 8 दवा 80 और 8 चौके 32 और ये 10 दवा 100 को 4 से काटोगे तो 25, x की वैल्यू आ गई 25 और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट को अगर आप देखें क्या है, 15 × 11 + 45 और डिनोमिनेटर में 13 × 9 − 30, तो इसमें 15 को 11 से गुणा करने के लिए अपने क्या करते हैं, 15 और 11 को अलग अलग रख लिया और इनको जोड़ के बीच में लिख दिया 165, तो ये हो गया 165 प्लस 45 और ये आपका क्या आ गया, 13 × 9 = 117 − 30 इज इक्वल टू एक्स। अब 165 और 45 में जोड़ने के लिए आप क्या करें, 16 × 4 = 20 तो 200 तो 1 हो गया और 5 × 5 = 10 = 210 हो गया, तो ये तो आपका आ गया 210 और 117 में से 30 निकालने के लिए क्या करें, 117 में से निकाल लें 100 तो बचे 17 और 70 वापिस जोड़ दें तो 70 और 17 = 87 इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखो 3 से मैं काटूं तो ये तो सॉरी यहां हो गया 29 29 = 87 और 210 हो गया 70 7 = 21 = 70, तो ये आपका आंसर आ गया 70/29। अगर यही आंसर है तो ठीक है, और अगर कुछ और इसका है तो ये करीब करीब 2.4 के आसपास जो भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
2/3% ऑफ 1/3 ऑफ 1/2% ऑफ 1/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो परसेंट जहां भी है उसको फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन के लिए उसको 100 से डिवाइड करना है। तो 2/3 को 100 से डिवाइड करने का मतलब 1/100 से गुणा कर दो, ऑफ का मतलब फिर गुणा 1/3, 2/3% ऑफ 1/3 आ गया, ऑफ 1/2%, 1/2 गुणा परसेंट है फ्रैक्शन के लिए 100 से डिवाइड कर दो और गुणा 1/6 और इज इक्वल टू एक्स। अब जो चीज कोई कैंसिल आउट हो सकती है, जैसे ऊपर सिर्फ दो है और ये दो नीचे से कट गया, अब आप देखो 3 × 3 = 9, 9 = 54 और 54 के आगे 4 सिफर, तो ये आ गया 1/54 और इसके आगे 4 सिफर, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 35% ऑफ 160, 35% ऑफ 160 इज प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 180 इज इक्वल टू 50% ऑफ 310। इस क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ पे इसमें फिर वही कर लिया, 35% को आप क्या माने, 50 - 15, तो और उसको साथ के साथ ही आपको पता है कि राइट हैंड साइड में जाना अल्टीमेटली, तो वहां भी ले जाएं, तो 35% ऑफ, अगर मैं यहां देखूं 50% ऑफ 310 का मतलब है 310 का हाफ, 310 का हाफ कितना हो गया 1/2 × 310, और इसमें से इसको माइनस कर लो सीधा 35% ऑफ 150, तो 50 - 15 50% कितना हुआ 160, और 15% इसमें से घटना है और 15% कितना होगा 10% इसका कितना हुआ 16, तो 15 उसका डेटा 24, तो इसको 24 को इसमें से घटा दिया। अब ये इस तरफ क्या रह गया x% का x/100 × 180। अब आप इसमें देखो ये तो आ गया 155 और ये क्या आया, ये तो आ गया 80, 80 में से 24 अगर आपने घटाया तो कितना बच गया 80 में से 24, और या आप इसको यूं करें माइनस का 80 और प्लस का 24, ये आ गया 155 में से 80 घटाएंगे 75, 75 और 24 हो गया 99, तो इस तरफ तो आ गया आपका फिगर 99, और यहां कितना है आपने ये काट लिया, ये आपका 5 हो गया और ये हो गया 9, तो ये हो गया x × 9/5 आ रहा है, तो 9 को आपने काटा 11 क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × 55, x की वैल्यू आ गई 55 और यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, 4^7 / 16^4 गुणा √16 इज इक्वल टू एक्स। आप इसमें देखेंगे कि सभी 4 की पावर्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, अगर मैं इसको देखूं ये 4^7 है, भाग को गुणा कर लो तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, और ये क्या है 4^2 और उसकी पावर 4 गुणा ये 4^1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब आप देखेंगे ये जब होल होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होते, ये होगी 4^8 और ये 4^7, तो ऊपर मैं अगर ले जाऊं तो 4^7 - 8 और ये हाफ और जुड़ गई इज इक्वल टू एक्स, तो 7 और 7.5 - 4^-1/2 - 1/2 का मतलब 1/√4, 4 का √ निकालोगे तो 2 हो गया 1/2, यही आंसर आ जाएगा, 0.5 हो सकता है 1/2 हो सकता। नेक्स्ट देखिए √x + 136 इज इक्वल टू 58 × 320, तो इसमें इसको आप मान लीजिए x इज इक्वल टू, आप सीधा उसको उस तरफ ही ले जाइए 5/8 × 320 और -136, 8 को इससे काटा 8 × 32 40 × 5 = 200 में से आपने 136 निकाला, तो 136 अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 64, भाई 60 + 38 = 90 और 6 × 4 = 10, तो 64 √x आ गया आपका 64, तो x आ गया आपका 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर अगर आपको ऑप्शंस में थोड़ा ट्राई करनी है तो आप क्या करें, आपको पता है कि 65 का स्क्वायर क्या होता है, 6 को 7 से गुणा किया 6 × 7 = 42 और 5 × 5 = 25, 4225, तो आप ये देख सकते हैं कि 4225 से थोड़ा नीचे कौन सा है और उसकी लास्ट डिजिट 16 है, लो 16 मतलब 6 है लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट उसकी 6 आ रही है और इससे थोड़ा कम आ रहा है, आप उसको टिक कर दें, नहीं हो रहा है तो 64 का स्क्वायर करें फिर, तो 64 के स्क्वायर के लिए आप क्या कर सकते हैं 64 × 64, अब ये 50 से कितना ज्यादा है +14 और ये +14, अब यहां तो कर लीजिए 14 14, दोनों का स्क्वायर करो तो 196 आ गया, तो राइट साइड में आपके आ गया 96, मतलब ये 96 में आपका लास्ट डिजिट आ गया, एक आपका कैरी चला गया, और इनको अगर जोड़ू मैं तो 64 + 14 और बटा
दो, 64 10 74 4 78 बटा 2 39, 39 एक 40, तो ये हो गया 4096 में, और यही आंसर है। लेकिन आप इतना नहीं करें, आपको जैसे ही पता चला कि 96 है लास्ट में तो आप टिक करें, क्योंकि इतने ऑप्शंस में वो गुंजाइश इतनी होती है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन इन स्लॉट्स के मिलते जाएंगे हम आपको वो वीडियोज देंगे, ताकि जो बच्चे आगे आने वाली एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।